हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का खास महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 11 मार्च दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि होती है। इस बार इस दिन शिव योग बन रहा है। साथ ही इस दिन नक्षत्र घनिष्ठा रहेगा और चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेगा। इस दिन विधि पूर्वक पूजा कर भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। महाशिवरात्रि के दिन स्वयंभू शिव जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और अगर कन्या का विवाह काफी समय से ना हो रहा हो या किसी भी तरह की बाधा आ रही हो तो उसे महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत को करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। महाशिवरात्रि की पूजन विधि की बात करें तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिव मंदिर जाएं या घर के मंदिर में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले तांबे के एक लोटे में गंगा जल लें। लोटे में चावल और सफेद चंदन भी डालें और ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद चावल, बेलपत्र, सुगंधित पुष्प, धतूरा, भांग, बेर, आम्रमंजरी, जौकी बालें, गाय का कच्चा दूध, गन्ने का रस, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, पंचफल, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, मौली, जनेऊ और पंच मिष्ठान एक एक कर चढ़ाएं। कहा जाता है कि शिवरात्रि का पूजन निशीत काल में करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। निशीत काल यानी रात्रि का आठवां मुहूर्त। हालांकि भक्त रात्रि के चारों पहरों में से किसी भी एक पहर में सच्ची श्रद्धा भाव से शिव पूजन कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार चातुर्मास में भगवान शिव पृथ्वी की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और शिव भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। सृजनहार के रूप में लिंग की पूजा होती है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है प्रतीक। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। इसे ब्रह्मांड का प्रतीक भी माना जाता है। एक बात जरूर याद रहे कि भगवान शिव की पूजा में कभी भी हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल्दी को सौंदर्य और स्त्रीत्व का प्रतीक माना गया है, तो वहीं शिव जी पुरुषत्व का प्रतीक हैं, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में तुलसी निषेध मानी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति राक्षस जलंधर का अंत किया था, जिसके कारण माता तुलसी ने भगवान शिव को अपनी औषधीय गुणों से वर्जित कर दिया था। शिव जी की पूजा में शंख से जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए शिव जी की पूजा में शंख जल अर्पित करना वर्जित माना गया है।